ये एक और टूल है निक्रो करेक्शन का ही वाइजर 3। ये बहुत ही कमाल का प्लगइन है। इसमें भी वैसे ही प्रीसेट्स हैं, लेकिन ये प्रीसेट हैं ये थोड़े से और टाइप के हैं। इसमें हम आपको दिखाते हैं जो लाइट्स के जो पॉइंट हैं इनका बड़ा ज़बरदस्त कमाल है। इनको हम वहाँ ले जाएंगे जहाँ पे लाइट्स कम हो, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इनका ये कमाल है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, साइड पे ले जाएंगे, यहाँ से हम कलर भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्राइट, यहाँ से इसकी लाइट्स कम ज़्यादा भी होगी, यहाँ से हम इनको कंट्रोल करेंगे। और इसको हम ले जाएंगे सेकेंड आई पे, यहाँ से लाइट्स डार्क एरिया जो भी होगा वहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए, ठीक है, बिफोर आफ्टर। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन हैं, टेम्परेचर कंट्रोल, रेडियस, हाईलाइट, मिटो। ठीक है, देख, इसी तरह इसमें जाते हैं। डार्क टोन में आ चुके हैं। डार्क टोन, और इसमें हम थोड़ा सा शेडो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, वाइट बैलेंस अगर हमें चाहिए आज तो हम यहाँ बात पे हम करेंगे टेम्परेचर पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स, कंट्रोल कर ये सकते भी प्लगइन है हैं। ये हम आ गए निक्रो ब्लू की कलेक्शंस तरफ, में से, अब ले जाएंगे येलो की तरफ। पर्सपेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसमें ये बुर्ज खलीफा है, लेवल एंड कर्व, इसमें बुर्ज खलीफा को हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। हाईलाइट, ठीक है, डार्क लाइक दिस। अगर ये आपको लग रहा है कि फोटो लाइट ठीक नहीं है इंफ्लुएंस ऑन साइड पे जाते, तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन वगैरह जो है वो ठीक कर सकते हैं। देखिएगा, अप डाउन, ठीक है, और ये यहाँ से हम इसको ये हमारा फाइनल रिजल्ट है पर्सपेक्टिव का चेंज हो जाएगा। वाइजर 3 निक्रो देखिए, करेक्शन का। इसको हम अप्लाई ठीक करते है, हैं। अब हम इसको लेफ्ट राइट से, ठीक है, यहाँ से ये वेरिएशंस हैं देखिए, जिनको कम ज़्यादा किया जा सकता है। रिजल्ट्स ये काफ़ी भी अमेजिंग है। और देखिएगा, ज़ीरो पे ले आते हैं हम इसको, ये भी ज़ीरो पे ले आते हैं। देखिए, इसके बाद आ जाएगा